लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मंगलवार को श्रीनगर में देवास के घिचलाय के रहने वाले जवान नीलेश धाकड़ की मौत के बाद गुरुवार शाम सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। गुरुवार सुबह सेना के अधिकारी और जवान जैसे ही महू से पार्थिव देह लेकर रवाना हुए, सैनिक के सम्मान के लिए पूरे रास्ते लोग खड़े दिखे। जैसे जैसे शव वाहन आगे बढ़ा, लोग साथ चल दिए। इस दौरान रास्ते भर में फूल बिछाए गए थे और जगह जगह रंगोली बनाई गई थी। शाम को राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार खेत पर किया गया। सेना के अधिकारी और जवान गुरुवार सुबह 8 बजे महू से नीलेश का पार्थिव शरीर लेकर रवाना हुए। सैनिक के सम्मान में महू से लेकर गांव तक लोग जुलूस के रूप में खड़े रहे। जहाँ से भी पार्थिव शरीर गुजरा, लोगों ने अंतिम दर्शन किए और भारत माता की जय लगाकर उसे विदा किया। कहीं सम्मान में पोस्टर लगाए गए तो कहीं रंगोली बनाई गई। देवास में अंतिम दर्शन को सैकड़ा लोग उमड़ पड़े। इस दौरान रास्ते भर महिलाएं, बच्चे, बड़े और बूढ़े सब अंतिम दर्शन को पहुंचे। बेटे का शव तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा तो परिवार के साथ ही यहां हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों की आंखें नम हो गई। बेटे का शव देख गांव पहुंचे 10,000 से ज्यादा लोग बेकाबू हो गए। सेना के अधिकारियों ने सभी को समझाते हुए शव को वाहन से नीचे उतरवाया। गांव वाले बस यही करते रहे कि अभी तो बेटा गांव आया था, 4 महीने बाद दूल्हा बनने वाला था, ये क्या हो गया। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को सम्मान पूर्वक विदा किया।